इस तरीके से मैं आज की सदर भारतीय जिस के सदर प्रोग्राम को दरखास्त करता हूँ साहिब तस्नीफ साहिब किताब जनाब वासिफ अली वासिफ साहब से जो तहकीन बनाए आपके नाम पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ कैसे फैसला हो गया, किस तरह फैसला हो गया।
फैसला होना बाकी है, सादे साहब का हम नाम लेते हैं, अब बुजुर्ग है, देखा नहीं है हमने और सुना है, अब सारे का मुतफिका फैसला होगा कि कुछ यही कहा जाता है कि रहमतुल्लाह कहा जा सकता है, आप पर इनाम हुआ, बोला कि कुछ इनाम याफ्ता लोगों का इनाम याफ्ता होना ये हमें यकीन है कि है, और चंद के हमने देखा नहीं है, जब देखा नहीं है और यकीन है तो फिर इसमें इकरार होना चाहिए कि वो इंसान जिस पर इनाम होता देखा नहीं है और उसको इनाम याफ्ता मानते हैं और हम जानते हैं कि ये अलैहिस्सलाम है तो कैसे जानते, और अगर जानते हैं तो उसी बार बोले के मुताबिक अपने बारे में क्या ख्याल है आपका, अगर वो फार्मूला मिल गया, कुछ उन्वान मिल गया तो वो इनाम याफ्ता है, चलो टेस्ट नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, इनाम याफ्ता है अलैहिस्सलाम है और उन पर इनाम हो गया, तो आप ये बताइए कि आप अपने आप को किस तरफ रख रहे हैं, जिंदगी में फैसला किया आपने उनके बारे में, अपनी जिंदगी में अपने बारे में आप क्यों नहीं फैसला करते, अगर फैसला उम्मीद में है अल्हम्दुलिल्लाह और अगर अंदेशा है तो अस्तग़फिरुल्लाह ये कबूल होना चाहिए, और अगर अंदेशा है तो इबादत पर भी अस्तग़फिरुल्लाह जो आप कर रहे हैं कि रिजल्ट अंदेशा ही निकला, अब आप देखिए अभी बात हो रही थी कि और उन लोगों का अंदेशा जो इजाजत फरमा रहे थे कि एक को आने वाले वक्त का अंदेशा था और एक को जाने वाले, इससे एक बात करो और आप थोड़ी देर के एक आदमी ने दूसरे से पूछा भाई आप कुछ आने वाले हालात के मतलब जानते हैं, उसने कहा अभी तो जाने वालों से भारत नहीं हुआ देखा जाएगा, तो वो लोग जिनको आने वाले जमाने पर कोई अंदेशा उसमें नहीं होता, जाने वाले का गम नहीं होता, उनको कहते हैं बुला खौफुन लहम बुला हो यहतदून, ना इनको आने वाले का डर है कि ये जानते हैं कि उसका रह होगा, न गुजरे वक्त पर अफसोस है कि जानते हैं कि तौबा कर चुके हैं, इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को तौबा के हवाले से मैं कर रहा हूँ कि अपना जायजा लेते हुए ये इसमें मैथमेटिकल मार्क्स नहीं होते, देखिए आप सुकून में हैं, उम्मीद में हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में उम्मीद पैदा फरमा दी है तो उसका शुक्र अदा करें और इबादत होगी मंजूर, और अगर आपको अंदेशा पैदा हो गया तो फिर आप ये समझें कि इबादत के बावजूद ही कहीं ना कहीं नक मौजूद है, इसलिए अगर वो इबादत मंजूर ना करे तो फिर इबादत किसका, और अगर वो एक गुनाहगार के दिल को अपने करीब कर ले माफ फरमा दे तो फिर वो माफ फरमा देता है, इसी जिंद में मैं बात करूंगा तौबा के हवाले से कि अल्लाह ताला का इरशाद है, एक तो यह है कि जो अमाल होंगे नतीजा होगा, एक यह है कि हम ही आपको जुलमात से नूर में दाखिल करते हैं, एक मकाम पर फरमाते हैं कि जो कुछ मेहनत करोगे मिलेगा, और एक मकाम पर है कि जिसको हम चाहते हैं बेहिसाब अता फरमाते हैं, अगर अल्लाह करीम ही जुलमात से नूर में दाखिल करता है, अल्लाह करीम ही बेहिसाब अता फरमाता है, तो फिर ये मान लेना ही हमारे हक में है कि हमें हमारी इबादत के बावजूद माफ फरमा देगा, उस इबादत के बावजूद जिसमें रियाज शामिल है और उन गुनाहों के बावजूद माफ करेगा, जिसके बाद हमें तौबा की तौफीक हुई है, तौबा दो तरीके से है, किसी किए हुए पर पशेमानी और किसी ऐसी बात पर जो आप चाहते हैं और वो आपको मंजूर नहीं है, उस दुआ पर भी तौबा करते हैं और जिसको मंजूरी का मौका नहीं मिला, जिसको मंजूर नहीं होना, जो मंजूरी के मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ, आप इन बातों से तौबा करते हैं, किसी ऐसे काम को जो संसद हो गया अंदेशा पैदा हो रहा है उससे तौबा करते हैं, तौबा का मानना है मुड़ जाना और रास्ते से बदल जाना, तौबा एक ऐसा मकाम भी आता है कि जहां शुक्र के मकाम है वहां तौबा करते हैं, ये एक अलग मकाम है कि तौबा करने का हुक्म है, और पिछले मकाम पर तौबा किया नए मकाम में दाखिल हो रहे हैं, नए उम्मीद में दाखिल हो रहे हैं, नए दर्जात में दाखिल हो रहे हैं, और तौबा के मैंने उसको मकाम समझा था, ये मकाम तो ये आया, इसलिए तौबा उरूज का बायस भी है
तौबा आपत्ति से निकलने का जरिया भी है, तौबा आप अपने आप को अल्लाह ताला के करीब लाने का जरिया भी है, तौबा का मजमू उसे खुद सिखाया है, पहला फाल जाए उसके बाद सारी जुबान जाई है रब्बना ज़लमना अन्फुसना, तौबा ही सिखाई है। तौबा जो है ये उसकी तरफ रुजू का नाम है, तो इसलिए तौबा ही होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ क्या है तौबा जो है अल्लाह ताला के तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह ताला जब तौबा की तौफीक अता फरमाए समझो कि रहमत कर रहा है, तो रहमत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाता है। तो मेरा ख्याल है मैं ज्यादा क्या वजह दूँ, आप लोगों का शुक्रिया, और थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में यही कहूँगा कि चार साल के लिए और काले साहब के लिए बैठे थे सब लोग, याद होगा कुछ लोगों को कि हम सब ऐसी महफिल, हम सब दरअसल एक दूसरे का गम है जो एक दूसरे की खुशी बन के बैठे, बात कितनी सारी बात।